हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई स्ट्रीट 2.0 चैनल। और दोस्तों, जो आज का सेशन है, यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो, जैसे कि टॉपिक है फर्स्ट पर्सन इन वर्ड, हम लोग दोस्तों आज यहाँ पे करेंगे। तो इसमें जितने भी वर्ड में फर्स्ट टाइम दोस्तों जो भी चीजें हुई उनको हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो चलिए गाइस, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और जब तक दोस्तों सारे बच्चे आते हैं, हम लोग थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाता हूँ। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी आप देख रहे हो, ये सब मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। गाइस, ये मेरा कोड है NG10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर किसी भी दोस्तों में बात करूँ कैटेगरी में 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, चाहे आप कैसे सी बैंक, रेलवे, कोई सा भी हो। आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो एवरी संडे दोस्तों आपका एक टेस्ट होता है, जिसको आप SSC कॉम्बेट के नाम से जानते हो। ये एक दोस्तों फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा का दोस्तों मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो टेस्ट है आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से दे सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हर संडे को होता है, 12 PM पे होता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो खुद को एनरोल करो और यूज करो इन्वाइट कोड दोस्तों NG10। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों की पैटर्न क्या होता है, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 50 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अगर आप लोग दोस्तों रैंक 1 to 3 आते हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल होता है। 4 to 10 रैंक लाने पर 75% की स्कॉलरशिप होती है। 11 to 50 रैंक लाने पर आपको 50% की स्कॉलरशिप होती है। और 51 से 500 रैंक लाते हो दोस्तों तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। 501 से 1000 लाते हो तो आपको 20% की दोस्तों स्कॉलरशिप अवेल होती है। आगे हम बात करें दोस्तों तो अनअकैडमी प्लस के बारे में, यहाँ पर 30+ बैचेस एवरी वीक होते हैं, 300+ क्लासेस एवरी डे होते हैं, 70+ टॉप एजुकेटर आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है यहाँ पे, 20,000 दोस्तों हम बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और 90% से भी ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है। और गाइस, प्लस में मेरा जो बैच चल रहा है वो इस समय चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में दोस्तों एक कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच आ रहा है जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इसकी टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी गाइस 4 PM। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो आपको 15 सितंबर से बहुत सारे बैचेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से CGL, CHSL के लिए दोस्तों मैं बात करेंगे तो एक सफलता बैच भी आ रहा है। हर एक लेक्चर का दोस्तों आपको PDF मिलेगा, हर 4 सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यस और नो, आप सारे सब्जेक्ट दोस्तों हम लोग बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडिया के सारे टॉप के फैकल्टी आपको एक ही जगह पर दोस्तों मिल जाएंगे। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, आपको कभी भी कोई भी डाउट आया ना जब आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने क्वेश्चन को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू पूछ सकते हो, और अनअकैडमी की टीम दोस्तों आपको यहां पर जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी उसका प्रोवाइड करती है। और इस समय दोस्तों 1 ईयर की फी है 6000 और 2 ईयर की हम बात करें तो 7800। ये पे नहीं करो, यूज करो दोस्तों कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा। और 1 ईयर की फी हो जाएगी दोस्तों 5850 और 2 ईयर का दोस्तों बात करें तो 7020 आपको यहाँ पे दोस्तों फी जो है वो देखने को मिलती है। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप दोस्तों SSC Plus Bank 24 मंथ का लेते हो तो आपको 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप दोस्तों मैं बात करूँ SSC का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और हम बात करें दोस्तों, अगर आप 12 मंथ का बैंक और SSC दोनों का दोस्तों आप लेते हो तो आपको यहाँ पर 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे 12 मंथ का दोस्तों, अगर आप लोग बात करें सब्सक्रिप्शन आप अगर SSC का लेते हो तो आपको यहाँ पे 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हेलो आकांक्षा, हेलो कविता। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था इस बार के UP SSC PT में कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की गई। तो इसका दोस्तों मैं आपसे बताऊं तो आंसर हो जाएगा, ये था 1953। तो दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट को आप लोग जानते हो दोस्तों, ये नेपाल में है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और इसकी हाइट के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसकी हाइट कितनी, 8848.86 मीटर, ये दोस्तों हम बात करेंगे तो ये आपको इसकी हाइट भी देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 लोग थे, एक थे तेंजिंग नॉर्गे, ये दोस्तों हम लोग बात करें तो इनके साथ में गए थे, बेसिकली नेपाल के थे। और हम लोग दोस्तों बात करें जो मेन जिनको हम लोग बात करें जो क्रेडिट जाता है जो एग्जाम में आता है, ये एडमंड हिलेरी। और एडमंड हिलेरी दोस्तों कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके दोस्तों एग्जाम में 110% ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और आप लोग जानते हो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखें, सागरमाथा के नाम से दोस्तों आप इसको जानते हो। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं
और चाइना में इसको चोमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट पर्सन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं यानी कि क्लाइंबिंग करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीटर कुक, रेनॉल्ड एंड्रीज मैजनर, पीटर हैबलर या फिर दोस्तों बी एंड सी बोथ। इस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर बताएं बेटा। इसमें आज बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे हम लोग बात करें दोस्तों, जो नॉलेज है इसको क्या करेंगे बताओ जरा, आपको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी। और हम बात करें दोस्तों कौन कौन थे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रेनॉल्ड एंड्रियास मेसनर, ये दोस्तों कहाँ के थे ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थे इटली के, ये कहाँ के थे इटली के। और इन्हीं के साथ में दोस्तों बात करूँ, जो पीटर हैबलर गए थे ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। दोस्तों ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन का लेवल वहां पे कम होता चला जाएगा, और दोस्तों इसलिए वहां पे सांस लेने में बात करें दोस्तों तो काफी इश्यू आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने अकेले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, मतलब समझ रहे हो इतनी ऊंची चोटी पर अकेले ही चले गए, ये कौन थे? थॉमस बेकर, माइकल बाक, पीटर स्मिथ या फिर रेनॉल्ड एंड्रियास मैजनर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा करेक्ट आंसर वही होगा अगेन, रेनॉल्ड एंड्रियास मैजनर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कौन से कंट्री से थे दोस्तों, इटली। तो इनके नाम क्या क्या चीजें हम लोग दोस्तों बात करें तो याद रखनी है। पहली बात, सबसे अकेले मतलब अकेले चलने गए कौन, रेनॉल्ड एंड्रियास मैजनर अकेले भी करते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी दोस्तों ये गए हैं। तो इनके पास दो दो रिकॉर्ड है और आप कोशिश करो कि दोनों के दोनों याद रखें। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, यस और नो ये आपको दोस्तों लेक्चर के बाद नोट डाउन करना है। आगे हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहली महिला कौन थी दोस्तों जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हाँ जी, गुड इवनिंग शिवेंद्र। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये थी जापान से। और अगर हम बात करें दोस्तों इनका नाम क्या था, इनका नाम था, बिल्कुल सही बता रहे हो, जुनको ताबेई। यस और नो, इनका नाम था जुनको ताबेई, है ना, ये जापान की थी जुनको ताबेई। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर दोस्तों आप इसको याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड टू हैव क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। दोस्तों पूरे विश्व में पहले व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ा, माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ा, ये व्यक्ति दोस्तों कौन थे, है ना, माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ा दोस्तों ये व्यक्ति कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं तो मैं यहां से स्टार हटा देता हूं। दोस्तों ये थे नवांग गोम्बू, ये वैसे थे कहाँ के दोस्तों, वैसे तो ये थे तिब्बत के, लेकिन इन्होंने बाद में हम बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी, बाद में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी, क्योंकि आप जानते ही हो कि चाइना कैसा है। तो ये बातें भी दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं बात करूं तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो लेक्चर आप देख रहे हो इसमें मैं खाली वर्ड बता रहा हूं, इसमें मैं इंडिया नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, इंडिया का मैं अलग से लेक्चर लूंगा और आज सिर्फ वर्ड वर्ड देख रहे हैं हम लोग। तो माउंट एवरेस्ट पे छठा क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों अच्छी बात यह कि भारतीय भी यही है और पूरे विश्व में दोस्तों यही है, ये है संतोष यादव। इनका नाम क्या है? संतोष यादव। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं आपको एक जगह पे कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले पर्सन कौन है वर्ल्ड में जिन्होंने 10 बार दोस्तों माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? 10 बार माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों चढ़ाई किसने की है? तो दोस्तों ये एक इंडियन है, ये भी आप लोग याद रखो, हम लोग बात करें दोस्तों, है ना, इनका नाम क्या था दोस्तों बताओ, इंडियन नहीं बेसिकली नेपाली मुझे बोलना चाहिए, इनका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बताएं इनका नाम क्या? यस और नो, इनका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखो आंग रीता शेरपा, आंग रीता शेरपा, आंग रीता शेरपा। अगला देखते हैं दोस्तों, 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? 5 दिन में 2 बार, इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बताएं जरा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये हैं दोस्तों इंडियन, अंशु जमसेनपा,
और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये भी एक इंडियन ही है, अंशु जनसिन्हा, लेकिन ये अब तक एग्जाम में नहीं आया। अगला दोस्तों, अब चलो फर्स्ट पर्सन वर्ड में कौन है जो नॉर्थ पोल की तरफ गए, इंडिया का मैं आपको अलग से कराऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट पर्सन दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कौन थे जो नॉर्थ पोल की तरफ गए, क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मतलब दोस्तों आपका आर्कटिक जो रीजन है उसकी तरफ बात हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश भी करते चलिएगा जो जो पॉइंट मैं आपको बोलूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो रॉबर्ट पेरी है, इनको आप बोल सकते हो दोस्तों रॉबर्ट पेरी को, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें रॉबर्ट जो पियर है इनके बारे में, हम लोग बात करें कि भाई इन्हीं के एक हफ्ते बाद फेडरिक कुक भी पहुंच गए थे। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट पियरी ऑप्शन में ना हो तो आप लोग फेडरिक कुक को लगाना, लेकिन फेडरिक कुक और इन दोनों को लेकर के दोस्तों इनमें से क्या है? हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा दोस्तों लोग बात करेंगे तो है ना, आप लोग को दोस्तों में तो विवाद देखने को मिलेगा। पर अगर रॉबर्ट पीरी ना देखने को मिले तो आप लोग रॉबर्ट आप फ्रेडरिक कुक लगा करके आना इसमें, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नॉर्वे से थे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये कहां से थे? नॉर्वे से थे, बताओ। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड एमुटसन। रोनाल्ड एमुटसन यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा, रोनाल्ड एमुटसन। और मुझे पता है आज का जो सेशन है इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे तो घबराइएगा नहीं। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एथलीट दोस्तों जिनको परफेक्ट 10 मिला, परफेक्ट 10 समझ रहे हो मतलब फुल मार्क्स मिले थे, जितने मार्क्स उसमें हो सकते थे उस प्रतियोगिता में वो पूरे के पूरे इनको मिले। तो फर्स्ट एथलीट दोस्तों वो कौन है जिनको परफेक्ट 10 मिला था दोस्तों ओलंपिक में? तो इनका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, ट्राई करिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जरा। पहली बार दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो क्या आप में से कोई बता सकता है? तो हाँ, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो ये कौन से कंट्री की थी मैं ये भी आपको बताता हूँ दोस्तों, ये रोमानिया से है, ये रोमानिया से थी। और दोस्तों ये कौन से ओलंपिक की बात है? ये बात है 1976 की ओलंपिक की बात है। और जो 1976 का ओलंपिक हुआ था दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो दोस्तों एक जिमनास्ट थी जो कि हम लोग बात करें दोस्तों रोमानिया की थी, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था दोस्तों नादिया, इनका नाम क्या था? नादिया कुमानसी, नादिया कुमानसी दोस्तों, इसको कुमानसी पढ़ेंगे आप ठीक है ना, नादिया कुमानसी ठीक है ना। ये कहाँ की थी दोस्तों? ये रोमानिया की थी, और इन्होंने 1976 में जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुए थे उसमें ये कारनामा किया था। बेटा आप इस वाले में तो हिंदी में ऑप्शन नहीं है, बट मैं आप लोग को जो जो ऑप्शन आंसर है उसका मैं हिंदी आपको बोलोगे तो लिख भी दूंगा ठीक है। तो ये रोमानिया की थी, इनका नाम है नादिया कुमानसी, मॉन्ट्रियल ओलंपिक में दोस्तों इनको परफेक्ट 10 मिला था, फुल आउट ऑफ है ना, तो याद रखें दोस्तों। और ये एक जिमनास्ट थी, ये भी आप याद रखें दोस्तों, ये एक जिमनास्ट थी, ऑल टाइम ग्रेट जिमनास्ट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वुमेन दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पहली महिला जिनको दोस्तों डेमोक्रेटिकली यानी कि चुनाव करा करके लोकतांत्रिक तरीके से दोस्तों हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, इनका नाम क्या है? यस और नो, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आपने बताना है। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बात है कब की दोस्तों, 1960 की बात है, और जिस देश में चुनाव हुए थे उस देश का नाम है दोस्तों सिलोन। और आज की डेट में सिलोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, यानी कि मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं। और इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिरीमावा बंदर नाइके, ये आपके एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन है ना। बिल्कुल यार, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम लोग ये सारे बच्चे यार इसको एक बार थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा है ना। चले, तो सिरीमावो बंदर माइके दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। अगला, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ मुस्लिम कंट्री, दोस्तों हम जानते कि लगभग 57 हमारे पास है मुस्लिम कंट्री पूरे वर्ल्ड में है ना, और हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश में बनी, उनका नाम आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। हालांकि अब दोस्तों इनकी हत्या कर दी गई है, और ये थी बेनजीर भुट्टो। और बेनजीर भुट्टो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कहां से थी, तो ये भी याद रखो, ये थी दोस्तों कहां से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये थी पाकिस्तान से, ये कहां से थी? पाकिस्तान से।
अगला दोस्तों, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस, दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? और ये जिस शिप से गई थी उसका नाम था वॉस्टॉक 6। क्या नाम था? वॉस्टॉक 6। ये इनका स्पेसक्राफ्ट था आप बोल सकते हो, इससे गई थी। और ये बेसिकली मैं दोस्तों बात करूंगा तो ये कौन सी थी, ये रशियन थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये रशियन थी। और इनका नाम दोस्तों क्या है बताएं, यस और नो? हाँ दोस्तों, इनका नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, अगेन इंपॉर्टेंट है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेरी गुड। लेट्स क्रैक रेलवे एनटीपीसी, एकदम करेक्ट बता रहे हो बेटा, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये भी रशियन है। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू स्पेस, इनफैक्ट दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल भी यही है फर्स्ट मैन जिन्होंने, दोस्तों लोग बात करेंगे, जो बात करें कि पूरे सबसे पहले बने पूरे वर्ल्ड में, जो पूरे अंतरिक्ष में दोस्तों जो फ्लाई करेंगे वो कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम था वॉस्टॉक 1। अगेन आप समझ सकते हो कि रशिया की बात हो रही है कि नहीं? और दोस्तों इनका नाम क्या था? इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ट्राई करो दोस्तों, इनका नाम क्या था? ये थे आपके यूरी गागरिन, ये थे यूरी गागरिन। और इन्होंने दोस्तों स्पेस का चक्कर लगाया था, यूरी गागरिन। हाँ, इकोनॉमी के एमसीक्यू में करा दूंगा, बिल्कुल संगीता, ठीक है? विश्वेंद्र, गौरव, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून? दोस्तों अब तक कोई भी बंदी जो है वो, दोस्तों मैं बात करूंगा तो मून पे उन्होंने कदम नहीं रखा है, पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। और जो इनका स्पेसक्राफ्ट था, नाम था इसका अपोलो 11, अपोलो 11। और अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ दोस्तों, दिन कौन सा था? 20 जुलाई, और डेट थी दोस्तों 1969, ठीक? और ये व्यक्ति कौन सा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग सभी इनको जानते हो, ये नील आर्मस्ट्रांग है। और दोस्तों पहला कदम इन्होंने चंद्रमा पर रखा था, और आप सोचोगे कि कितना खतरा था, हो सकता है चंद्रमा पर ये धंसी जाते, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरे व्यक्ति दोस्तों ये भी अमेरिका से ही थे, और ये कौन से थे, मतलब साथ में गए थे, इनका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन। इनका नाम क्या था? एडविन ऑल्ड्रिन। तो ये भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। तो ये यूएसए के थे दोनों लोग। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको याद रखो दोस्तों 20 जुलाई को ही जेफ बेजोस वो भी गए थे ना स्पेस में, इसी दिन के लिए 20 जुलाई डेट इसलिए तो रखी थी। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें, वो अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, और हम बात करें दोस्तों तो ब्लू ओरिजिन नाम की उनकी कंपनी भी है ना, जैसे स्पेस एक्स है, जैसे कि नासा है, उसी तरीके से। दोस्तों विश्व में पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्पेस वॉक किया है? स्पेस वॉक मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर आते हैं, अपने जो इनका जो वायुयान होता है उससे बाहर आते हैं और अंतरिक्ष में दोस्तों निकलते हैं। तो सबसे पहले कौन थे जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग को बताना है, बताएं ये कौन थे, है ना? तो दोस्तों इनका नाम था एलेक्सी ए लिनोव। एलेक्सी ए लिनोव दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने 18 मार्च 1965 को दोस्तों स्पेस वॉक किया था। और अगर हम बात करें दोस्तों ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं दोस्तों रशिया से, है ना? चलिए, तो आई होप दोस्तों ये बात भी आप लोग को समझ में आ रही होगी, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। प्लीज टेल माई फुल नेम, गौरव सर का रसगुल्ला। भाई पढ़ाई करो यार, है ना? नाम का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आ जाए तब आप लोग क्या बताओगे? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो काफी बार मैं बात करूं पूछा जा सकता है, ये है स्वेतलाना सवित्सकावा। स्वेतलाना स्वेत्सकावा, और स्वेतलाना स्वेत्सकावा दोस्तों इन्होंने ये काम कब किया था, बात करें दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा 1982 में। ये उतना इंपॉर्टेंट है। तो अगला वाला दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आपने बताना है। और दोस्तों जब मैं आपको इंडिया का पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इंडिया से भी यही थी, और पूरे वर्ल्ड में भी दोस्तों यही बनी। ये थी जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, दोस्तों इनका नाम क्या था? विजया लक्ष्मी पंडित।
क्या नाम था दोस्तों, विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी, सिस्टर थी, विजया लक्ष्मी पंडित। बिल्कुल बी एकदम करेक्ट है संगीता। लेट्स क्रैक एंड एवरीवन। दोस्तों फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, दोस्तों ये ना सिर्फ पूरे बात करो दोस्तों इंग्लैंड की, बल्कि पूरे यूरोप में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, वैसे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में दोस्तों हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया था, है ना, वो कहाँ से थी दोस्तों, श्रीलंका से थी, और उनका नाम क्या था बताओ, सिरीमावो बंदरनायके। और इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर बताऊं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरेट थ्रेचर। मार्गरेट थ्रेचर। आशीष मैं आने वाला हूं उत्तराखंड भाई, बहुत जल्दी ये सब होने वाला है, तो मार्गरेट थ्रेचर अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, और आपसे कुछ दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हैं दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है दोस्तों यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, आज की डेट में दोस्तों कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये हैं दोस्तों प्रेजेंट में, ये पुर्तगाल से हैं, ये प्रेजेंट में हैं, और आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है पहले कौन थे, तो पहले थे दोस्तों जिनका नाम क्या हुआ करता था बता सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया है, ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे ली, और ट्रिग्वे ली दोस्तों कौन से देश से थे, ये ट्रिग्वे ली के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये थे नॉर्वे से, जिसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, तो ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखना दोस्तों, ये कहाँ से थे, नॉर्वे से थे, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। हाँ देन दोस्तों ने बात करी, हु वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था पता है, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में उरुग्वे में, उरुग्वे में हुआ था फर्स्ट फुटबॉल का, मतलब दोस्तों कौन कराएगा, फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ज्विरिक, ज्विरिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। और बात करें दोस्तों अगला वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है 2022 में, ये होने वाला है कतर में, और कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों क्या है, उरुग्वे, बिल्कुल उरुग्वे इज करेक्ट, और उरुग्वे की कैपिटल बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगी, इसका नाम है मोंटे वीडियो, मेंटे मोंटे वीडियो, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। और दोस्तों करेंसी क्या है बताओ, तो करेंसी हो जाएगी इसकी उरुग्वे की, पेसो, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन था दोस्तों जिसने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान बनाने वाला दोस्तों विश्व का पहला देश कौन सा था। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, वो दिन था 21 जून जब इनका कंप्लीट हो गया था, 1788 की बात है, हालांकि जब लागू करने की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इसको लागू किया गया 1789 से, ठीक है ना, लेकिन ये कौन सा देश था दोस्तों, ये था आपका यूएसए, अमेरिका, ये था आपका अमेरिका, यूएसए। फर्दर देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट कंट्री कौन था जिसने वर्ल्ड कप जीता था, और फर्स्ट वर्ल्ड कप दोस्तों क्रिकेट का कब हुआ था, 1965 में। इंडिया ने दोस्तों कब जीता था, इंडिया ने जीता था 1983 में, इसलिए तो एक मूवी आ रही ना 83, रणवीर सिंह की, है ना। तो फर्स्ट कंट्री टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, है ना। आज की डेट में दोस्तों वेस्ट इंडीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विंडीज। ये अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जो एक साथ मिल करके दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बात भी आप लोग को बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है। तो वेस्ट इंडीज ने जीता था दोस्तों 1965 में, इसके बाद वाला जो है दोस्तों वो भी वही नहीं जीता था, पर 1983 में दोस्तों उनके ब्रेक लगा दिया था किसने, इंडिया ने 1983 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला बात करें, एक था दोस्तों नॉन अलाइड मूवमेंट, ये नॉन अलाइड मूवमेंट क्या था, देखो ये जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये और कुछ और लीडर थे दोस्तों वर्ल्ड के, उन लोगों ने मिलकर के चालू किया था, जब रशिया और यूएसएसआर के बीच में दोस्तों क्या चल रहा था पता है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हम किसी के साइड में नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाएंगे, है ना। मेरी बातों को आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, और हम दोस्तों बात करेंगे इसका जो पहला सेशन हुआ था, ये हुआ था सर्बिया में, और दोस्तों ये कब हुआ था सर्बिया में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर्बिया में हुआ था 1961 में, और सर्बिया में भी कहां पर हुआ था दोस्तों, जो सर्बिया की आज राजधानी है उसका नाम है बेलग्रेड, क्या नाम है दोस्तों, बेलग्रेड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि उस समय दोस्तों सर्बिया नाम का कोई देश होता ही नहीं था, क्योंकि जो सर्बिया था दोस्तों वो खुद एक कंट्री के अंडर में आपको देखने को मिलता था,
क्या आप जानते हैं वो देश कौन सा था? दोस्तों उस देश का नाम था युगोस्लाविया, युगोस्लाविया। तो ये युगोस्लाविया के अंडर में दोस्तों पहले आया करता था क्या सर्बिया, बाद में दोस्तों बात करें तो सर्बिया आजाद हो गया और उसी सर्बिया की राजधानी बिलग्रेड में दोस्तों बात करेंगे तो फर्स्ट नैम की मीटिंग हुई थी। बिल्कुल यस सर। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे मैंने अगर बात करूँ दोस्तों 1965 लिख दिया, इसके लिए सो सॉरी। बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है हम लोग बात करेंगे तो 1975 में स्टार्ट हुआ, फिर 79 में, और उसके बाद इंडिया ने जीता था। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 1975 और 1979 ये दोनों दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज ने जीते थे। बिल्कुल है ना, ये दोनों हम लोग दोस्तों बात करें तो वेस्ट इंडीज, और इंडिया ने दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 1983 में जीता था, इंडिया ने जीता था 1983 में। बिल्कुल भाई अगला देखते हैं। Who was the first woman who reached the North Pole? दोस्तों उत्तरी पोल में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी पोल में पहुंचने वाली दोस्तों बात करें तो पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग को बताना है। तो ये कनाडा से थी और इनका नाम क्या था अगर हम बात करें, ये उत्तर एग्जाम में नहीं आता, फ्रांसेस क्रिप्स, फ्रांसेस क्रिप्स इनका नाम था। अगला बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन टू सेट फुट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने वाली दोस्तों पहली महिला कौन थी, अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों हम लोग बात करें, ये बंदी थी डेनमार्क से, ये उतना एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको करा देता हूँ। और इनका नाम क्या था दोस्तों हम लोग बात करने की कोशिश करें तो बताएं जरा, मैंने यहाँ पे गलत टिक कर दिया है। इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, कैरोलिन मिकेलसन के बारे में बात कर रहा हूँ, कैरोलिन मिकेलसन के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला दोस्तों, पहली महिला कौन थी जो नॉर्थ पोल पे भी गई और साउथ पोल भी गई, मतलब दोनों पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट, ये है एन बैंक्रॉफ्ट, और एन बैंक्रॉफ्ट दोस्तों कहाँ की है ये आप याद रखें दोस्तों, ये यूएसए की है, तो बहुत बड़ी ट्रैवलर है अगर हम बात करें किसके बारे में, एन बैंक्रॉफ्ट के बारे में, सुपर इंपॉर्टेंट। दोस्तों फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने मैन को भेजा है मून पे, और अगर दोस्तों मैं पूछूं कि फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भेजा है दोस्तों मैन को, तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? दोस्तों मून वाले में करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, और स्पेस में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूएसएसआर, क्योंकि यूएसए की तरफ से तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग उतरा था, और है ना, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं, है या नहीं, यस और नो, और यूरी गागरिन जो था दोस्तों स्पेस में गया था यूएसएसआर की तरफ से। क्या आप लाइव हैं? बिल्कुल अंकित चौरसिया, मैं लाइव हूं, ठीक है। दोस्तों याद रखो मून के बारे में हम लोग बात करेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग, और स्पेस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं ना, यूरी गागरिन था ना स्पेस में गया था, और जो हम लोग दोस्तों मून में बात करेंगे तो वो कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था, है ना। तो दोस्तों जो मैन को भेजा था, मैं हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैन के केस में हम लोग को यहाँ पे बात करना है। अगला बात करेंगे, फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दोस्तों जो कृत्रिम उपग्रह आप देखते हो सबसे पहला किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक वन, सैटेलाइट का नाम क्या था, स्पुतनिक वन। और अगर हम बात करें दोस्तों जो स्पुतनिक वन है, आप नाम से समझ पा रहे होंगे ये कौन लॉन्च करेगा, ये लॉन्च करेगा यूएसएसआर, यस और नो, ये लॉन्च करेगा बेटा यूएसएसआर। तो आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कब की बात है, ये बात है 4 अक्टूबर 1957, हमारे आज़ादी के 10 साल बाद ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। बिल्कुल आगे बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने मॉडर्न ओलंपिक यानी कि आधुनिक ओलंपिक को होस्ट किया, तो दोस्तों ये बात है 1896 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ओलंपिक होते हैं दोस्तों ग्रीस की राजधानी में, और ग्रीस की राजधानी दोस्तों यानी कि यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस, 1896 में। और अभी रिसेंटली दोस्तों हम लोगों ने कौन से नंबर का ओलंपिक देखा, अभी रिसेंटली दोस्तों हम लोगों ने 32वां ओलंपिक देखा, और ये 32वां ओलंपिक दोस्तों कहाँ पर हुआ आपने देखा, ये टोक्यो में हुआ, तो ये बात भी आप लोग याद रखो। इसके बाद अगला ओलंपिक होगा 2024 में, ये होगा पेरिस में, उसके बाद 2028 में जो ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में, उसके बाद 2032 में जो ओलंपिक होगा दोस्तों ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रखो। अगला,
Who was the first city on which the atom bomb was dropped? दोस्तों पहली बार जो एटम बम गिराया गया था आपसे पूछा जा रहा है वो कौन से शहर पे गिराया गया था? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति को, है ना? बेटा एक बात बताओ, कंटेंट में तो किसी को इश्यू नहीं आ रहा ना, क्योंकि यार देखो मैं वो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, है ना? आखिरकार मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करा रहा हूँ, तो प्लीज यार इसको थोड़ा सा शेयर जरूर करेंगे आप लोग। तो हम सभी जानते दोस्तों, दिन था 6 अगस्त, दिन था 6 अगस्त और ईयर था 1945, चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू, और यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा पर, और हिरोशिमा आप जानते हो कि ये कहाँ पर है, जापान में। और कौन सा बम गिराया था दोस्तों, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को गिराया गया, और यहाँ पर दोस्तों जो बॉम था उसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था दोस्तों? फैटमैन। ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना। गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल बेटा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि रिजाइन दिया था, देना पड़ा था, क्यों देना पड़ा था, ये भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। देखो भाई, यूएस वाली जो चीजें होती है ना ये एग्जाम में आपके पूछ ली जाती है। तो दोस्तों एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा रिचर्ड निक्सन के बारे में तो इसको आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी। जो रिचर्ड निक्सन जो है दोस्तों हम बात करेंगे तो इन्होंने एक स्कैंडल किया था जिसका नाम था वाटर गेट स्कैंडल। में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इनके जो भी अपोजिशन वाले लोग हैं उन सभी की दोस्तों जासूसी कराई, और ये जो भांडा है फूट गया और सबको पता चल गया कि ये जासूसी करा रहे थे। तो इसके चक्कर में दोस्तों इन्होंने अपना पहला टर्म तो किया, लेकिन जो दूसरा टर्म आता है ना दोस्तों वो ये नहीं कर पाएंगे और इनको रिजाइन करके जाना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू भाई आशीष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एवर? दोस्तों सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आज तक नहीं आया पर यार ये कभी भी आ सकता है, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। दोस्तों ये हैं इसाबेल पेरोन, और इसाबेल पेरोन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कहाँ से थी, ये थी अर्जेंटीना की प्रधानमंत्री बनी थी, अर्जेंटीना की, ठीक है। और लेकिन यार यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बन गई, मतलब इलेक्टेड नहीं थी, इनके हस्बैंड की हत्या हो गई थी फिर इनको बना दिया गया था। तो इसाबेल पेरोन जो है दोस्तों इनको बनाया गया था, तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से यानी कि चुनाव के कारण, हाँ अंकित भाई कमेंट आपका बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं कमेंट, हाँ। लेकिन दोस्तों अगर चुनाव के तरीके से बोला जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से बोला जाए, तो कौन बनी थी दोस्तों, ये आप लोग को भी याद रखना है। अच्छा ये कब बनी थी ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये बनी थी दोस्तों 1974 में। और डेमोक्रेटिक तरीके से दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बनी थी फिनलैंड में, और जो फिनलैंड में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो बनी थी ये 1980 में बनी थी, ठीक है ना, 1980 में बनी थी दोस्तों। फिनलैंड नहीं होगा यार, आइसलैंड होगा, इसको करेक्ट करते हैं, इसको करेक्ट करो गाइस, यहाँ पे फिनलैंड की जगह पे क्या लिखो आप, फिनलैंड की जगह पे दोस्तों यहाँ पे लिखो आइसलैंड, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका नाम क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को क्या बताना है, इनका नाम था दोस्तों विगदिस, नाम यार थोड़ा सा अजीब है। देखो साजन सबका शोर है, हेमलता बिल्कुल शोर है, सबका शोर है बेटा, मुझे कमेंट कोई इशू नहीं है ना। दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से जो बनी थी उनका नाम क्या था, विरदिस, यस और नो, इनका नाम था विरदिस। और देखो यार इनका खुद ही आप लोग कर लेना, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है अजीब सा होगा। हम अगर बात करेंगे विरदिस फिनबो गाटिर करके इनको आप लोग बोल सकते हो, फिनबो गास्तिर करके दोस्तों आप लोग बात करोगे तो इनका नेम हुआ करता था। तो ये प्रेसिडेंट की बात हुई है, ठीक है, अगला देखते हैं, विरदिस याद रखो काम हो जाएगा। दोस्तों 21 माइल का इंग्लिश चैनल है कहाँ पर, तो आपको पता है दोस्तों ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों इसको सबसे पहली बार क्रॉस करने वाले जो पर्सन है उनका नाम क्या था, है ना? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग करेक्ट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों बताएं जरा, मैथ्यू वेब, क्लार्क नॉट, मिशेल जॉनसन या फिर थॉमस बेकर?
दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये व्यक्ति थे आपके मैथ्यू वेब, ये इंग्लिश ही थे, मैथ्यू वेब ने दोस्तों ये काम किया था, तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। और ये कब की बात है दोस्तों, जो मैथ्यू वेब ने काम किया था 1875 में काम किया था मैथ्यू वेब। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फर्स्ट वुमेन कौन थी, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछी जाती तो आरती शाह होता, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है दोस्तों, इनका नाम अगर हम लोग दोस्तों बात करें क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, गार्टूड एड्रल है। और जो गार्टूड एड्रल है दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इन्होंने इसको क्रॉस किया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे जरूर से जरूर याद रखें। और बात करें दोस्तों ये कहाँ से हैं, तो ये यूएसए से हैं, बट आपको कंट्री याद रखने की जरूरत नहीं अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बेटा ये नाम ही याद हो जाए ना, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में चमत्कार है, तो आप लोग इनके नाम याद रख लो, वही बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, और अच्छा सुनो एक बात और, मैं आपको जो इंडिया वाला है वो अलग से कराऊंगा, डोंट वरी। हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर स्पेस टूरिस्ट। दोस्तों देखो अभी तक अंतरिक्ष जो जो गए हैं वो लोग कौन हुआ करते थे बताओ, वो लोग दोस्तों हुआ करते थे साइंटिस्ट, लेकिन एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट, लेकिन पहली बार एक टूरिस्ट कौन गया था दोस्तों, ये जो व्यक्ति था जो गया था, ये अमेरिका का करोड़पति आदमी था, और इसका नाम क्या दोस्तों हम लोग बात करें तो डेनिस टीटो, डेनिस टीटो। और ये आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, डेनिस टीटो कहाँ से था, यूएसए से था। और दोस्तों ये कब गया था, ये गया था 2001 में। तो अब क्योंकि ये स्पेस टूरिज्म बढ़ने वाला है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आप लोग क्या बताओगे दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा अनुशेह अंसारी। वैसे तो बाय बर्थ ये कहाँ से थी, ईरान से, लेकिन दोस्तों ये आज की डेट में कहाँ रहती हैं, ये आज की डेट में रहती हैं यूएसए में। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन टू ड्रॉ मैप ऑफ अर्थ, दोस्तों पृथ्वी का जो हम लोग बात करेंगे जो मैप है उसको बनाने वाला जो पहला आदमी था वो कौन था दोस्तों, ये था एनैक्सिमेंडर। और एनैक्सिमेंडर कहाँ से था, तो ये व्यक्ति था यूनान से, और यूनान को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीस के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने दोस्तों पार किया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके बीच में है, या तो मैं लिख देता हूँ यूरोप, और यूरोप में दोस्तों कौन सी कंट्री, आप बोल सकते हो स्पेन। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं बात करूं अफ्रीका, और अफ्रीका में दोस्तों कौन सी कंट्री अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका में मोरक्को, इनके बीच में दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि है। तो इसको पार करने वाली जो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली महिला है वो ना सिर्फ वर्ल्ड में टॉप में बल्कि दोस्तों इंडिया में भी, यही क्योंकि ये एक इंडियन है, और दोस्तों इनका नाम है आरती प्रधान। तो याद रखो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आ नहीं रहा है, लेकिन किसी भी दिन ये एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि ये एक इंडियन है। आरती साहब बेटा हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में नहीं, वो सिर्फ इंडिया में है, और वो कौन सा, इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की। दोस्तों पहला कंट्री कौन था जिसने एशियन गेम को हॉस्ट किया था, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सबसे पहले एशियाई गेम हुए थे दोस्तों ये हुए थे 1951 में, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया, और इंडिया में भी मैं बात करूँ दोस्तों तो कौन सा शहर था, तो याद रखना दोस्तों ये दिल्ली में हुए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली। अगला दोस्तों, फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन थे जो इंडिया आते हैं, भारत में आने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट कौन थे, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इंडिया आने वाले फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे, तो अगर दोस्तों मैं बात करूं ईयर 1959 के आसपास की बात है जब ये इंडिया आते हैं, और इनका नाम क्या था दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ड्वाइट डी आइजनहावर, ड्वाइट डी आइजनहावर दोस्तों इनका नाम था। अगला बात करें दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट गेम है, कॉमनवेल्थ गेम जो है दोस्तों जिसको राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, तो सबसे पहला जो राष्ट्रमंडल खेल था ये कहां पर हुआ था, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में, जहां जहां पर इंग्लैंड ने शासन किया है वहां वहां पर कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों बात करें, वो देश जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंडिया भी करता है। और दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा कनाडा में, और कनाडा में जिस शहर में हुआ था ये भी आप लोग के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस शहर का नाम है दोस्तों हैमिल्टन, शहर का नाम क्या है, हैमिल्टन, ये भी आप लोग जरूर से जरूर दोस्तों याद रखेंगे। अगला आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहां पर हुआ, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट ओलंपिक बताया था वो समर के थे, और फर्स्ट विंटर ओलंपिक दोस्तों कहां पर हुआ, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक दोस्तों हम बात करेंगे तो 1924 में हुआ, 1924 में हुआ, कौन से देश में हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं
तो एग्जैक्ट अगर आप लोगों से दोस्तों प्लेस पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? दोस्तों प्लेस का नाम था क्रेमोनिक्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे, है ना? यस और नो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मे बी अगर आ गया तो क्या करोगे। तो क्रेमोनिक्स नाम का दोस्तों लोग बात करेंगे, ये प्लेस था, इसको जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सेमोनिक्स होता है, पर ये आपको दोस्तों फ्रांस में देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शार्क की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? शार्क की फर्स्ट मीटिंग दोस्तों 1985 में हुई थी, जहां पर डिसाइड किया गया था कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बनेगा। आज की डेट में शार्क का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलेगा काठमांडू में। यस और नो? इसमें कंट्री कौन सी है? तो इसका ट्रिक क्या है? एमबीबीएस स्पेन, एमबीबीएस स्पेन। अब एमबीबीएस स्पेन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या क्या हो जाएगा बताओ? मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, या फिर टेररिस्तान आप बोल दो, अफगानिस्तान, अब तो तालिबान हो गया एक तरीके से, इंडिया और नेपाल। दोस्तों ये हुई थी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में दोस्तों अगर एग्जैक्ट प्लेस आपसे पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर लगा करके आना आप ढाका, ढाका लगा करके आना। चलिए अगला दोस्तों हम लोग बात करें, जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है G7। इस साल का जो दोस्तों G7 जो समिट है, ग्रुप ऑफ सेवन मतलब 7 देशों का समूह है उनका है ये, इस बार दोस्तों ये कहां पर हुआ है तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। इस बार का ये हुआ है ब्रिटेन में, इस बार का ये कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में। और मतलब ये प्रेजेंट वाला मैं बात करूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021 का ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो फर्स्ट वाला था वो कहां पर हुआ? यूएसए, जापान, चाइना, फ्रांस। फर्स्ट वाला दोस्तों हम लोग बात करें तो कहां पे हुआ था? है ना? तो दोस्तों हम बात करेंगे, ये हुआ था अगेन फ्रांस में, और दोस्तों हम बात करेंगे तो कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1975 में देखने को मिला था, तो याद रख रहे हैं दोस्तों। और रामबोलिए करके एक जगह भी है, मैं एक काम करता हूँ उसका नाम भी लिखता हूँ, एक शहर है फ्रांस में जिसका नाम क्या है दोस्तों हम लोग बात करें तो रामबोलिए करके ये प्लेस है। यहाँ पर दोस्तों लोग बात करें तो पहला G7 जो समिट है आपको देखने को मिला। फर्स्ट G20 कहाँ पर हुआ? इस बार का दोस्तों मैं बात करूंगा जो G20 है वो कहाँ पर हुआ, इस बार का इटली में हुआ 2021 का। 2022 का कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में, और 2023 का इंडिया में। लेकिन जो G20 दोस्तों जो पहला वाला है ये कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर लगा क्या? यूएसए। और यूएसए में भी कहाँ पर दोस्तों ये हुआ था? वॉशिंगटन DC में। और ये ईयर कौन सा दोस्तों? ये था ईयर था 2008। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। अगला दोस्तों, ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग जो है ये कहां पर हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिक्स का फर्स्ट जो समिट था वो कहां पर हुआ था? देखो भाई, आपको पता होगा कि रिसेंटली ब्रिक्स में एक बैंक है जिसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स का बैंक है तो इसमें कौन कौन होंगे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन रिसेंटली इसमें कौन कौन से देश शामिल हो गए हैं? बांग्लादेश शामिल हो चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, यूएई शामिल हो चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और दोस्तों जो मैं थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था उरुग्वे, ये भी दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो चुका है। लेकिन ब्रिक्स की जो पहली समिट थी दोस्तों ये कहाँ पर हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ट्राई करिए जरा, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी रशिया में। और ये कौन से ईयर में हुई थी दोस्तों? तो याद रखो 2009 में। और इस समय ब्रिक्स की जितनी भी दोस्तों समिट है, जो भी कुछ होगा 2021 का, वो कौन देख रहा है बताओ? वो देख रहा है इंडिया। अभी दोस्तों हम लोग बात करें, अभी अभी खत्म हुई है ब्रिक्स की मीटिंग ऑनलाइन, ये भी इंडिया ही हॉस्ट कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन से सिटी में हुई, अगर रशिया के ये पूछ लिया तो वैसे काफी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, पर फिर भी ये का मतलब हम लोग को तैयारी जो है कर लेनी चाहिए, फिर एग्जाम में ना आया तो अलग बात है। पर हाँ, ये का टेरिन बर्ग नाम का दोस्तों एक प्लेस है जहां पर ये रशिया में पहली बार मीटिंग आपको देखने को मिली थी। आशियान समिट दोस्तों पहली बार कहाँ हुई थी? आशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आशियान कब बना था दोस्तों? ये बना था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। और हम बात करें दोस्तों इसकी पहली समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? दोस्तों इसकी पहली समिट हुई थी बाली में, और ईयर था दोस्तों 1976। और बाली जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। बाली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों ईस्ट एशियन समिट। अगला क्या है? ईस्ट एशियन समिट कहाँ पर हुआ था?
ईस्ट एशियन समिट। ईस्ट एशियन समिट क्या है, इसमें आशियान के देश हैं, आशियान के देश हैं 10, उसके अलावा इसमें पहले 6 देश आ गए थे तो 16 हो गए थे, और अभी दोस्तों यूएसए और रशिया भी आ गया। तो ईस्ट एशियन समिट में टोटल अब कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, 18। और हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहला था वो कहां पर हुआ था, ये हुआ था क्वालालंपुर में, और क्वालालंपुर में दोस्तों कब हुआ था, 2005 में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वालालंपुर क्या है, आप जानते हो दोस्तों ये कहां पर मिलेगा, मलेशिया की कैपिटल है, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। बाली बेटा इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने दोस्तों पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया, ग्लोब की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ग्लोब की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्डिनेंड मैगेलन। अगर पहली महिला पूछ लिया जाए दोस्तों तब आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिने बैरेट आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट पर्सन दोस्तों जो मरीना ट्रेंच पे पहुंचे, मरीना ट्रेंच दोस्तों कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर है फिलीपींस के पास में, और इसका दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड में जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, और इसी का जो डीपेस्ट पार्ट है मरीना ट्रेंच का दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजर डीप। इस नाम से जाना जाता है चैलेंजर डीप। दोस्तों यहां तक जाने वाले पहले पर्सन कौन थे, ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ पे एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा भूकंप आ जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना ये कौन थे। दोस्तों ये दो लोग थे, डॉन वॉल्स और जैक्स पिकर्ड, जॉन वॉल्स और डैक्स पिकर्ड, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर याद रखें। दोस्तों फर्स्ट वुमेन टू रिच डीपेस्ट नोन स्पॉट इन ओशियन, दोस्तों यही बात करें दोस्तों जो यही चैलेंजर डीप में जाने वाली जो पहली महिला थी वो दोस्तों कौन थी, तो इनको तो दोस्तों आप लोग जानते हो, ये थी कैथी सुलिवान। और कैथी सुलिवान के बारे में एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये स्पेस भी जा चुकी हैं, ये अंतरिक्ष में भी जा चुकी हैं, ये तो लास्ट ईयर का करंट अफेयर है, तो मैंने आपके लास्ट तक के सारे यहाँ पे करा दिए हैं। यस सर, मैं बिल्कुल अंकित सही बता रहे हो, 11022 मीटर है ना, लगभग 11.2 किलोमीटर आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, यार आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना, और आप अनअकैडमी के कोई भी क्वालिटी कोर्सेस अवेल कर सकते हो यूजिंग माई कोड NG10, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। और आज रात को एक क्लास कराने वाला हूँ, कौन से चैनल पे, वाईफाई स्टडी चैनल पे क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा, तो सुनो जितने भी इंपॉर्टेंट केव्स होती ना बिल्कुल उनका डायग्राम से, उनको हम लोग डायग्राम से मतलब प्लस का मटेरियल है, प्लस मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी आज मैं उसको कहाँ पे कराऊंगा, यूट्यूब में, इंपॉर्टेंट केव्स महत्वपूर्ण गुफाएं, ठीक है ना, ये कहाँ पे होंगे, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और इसका जो टाइमिंग होने वाला है दोस्तों ये होगा 11:30 बजे रात को, ठीक है। और सारे बच्चों का बोलूंगा बेटा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सभी लोग को फॉलो करना है, वो है आपका नॉलेज 365। दोस्तों यहाँ पर मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, नॉलेज 365 यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अनअकैडमी के किसी वीडियो में अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिले तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेलकम एवरीवन दोस्तों, है ना, अंकित संगीता बिल्कुल बेटा, है ना। चलिए, और डू लाइक दिस सेशन दोस्तों, सेशन को थोड़ा सा शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें, लेकिन नॉलेज 365 को जरूर करना है भाई, है ना, बिल्कुल दिव्यांशी। तो चलो सेशन को एंड करते हैं, बाबा एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो एक बात और, क्या आप बच्चे यहाँ पे चाहते हैं कि मैं 14 डेज में जो टॉप 50-60 करंट अफेयर हैं हर महीने के कवर करूँ इसी चैनल पे, मतलब कि 14 डेज में लूंगा तो जनवरी का 2 दिन में, और क्लास का ड्यूरेशन 1 आवर से ज्यादा एक भी दिन का नहीं होगा, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं यहाँ पे कोशिश कर सकता हूँ कि 14 डेज में पूरा जुलाई तक का करंट अफेयर किया जाए, ठीक है ना। तो ये आप लोग मुझे जरूर बताना, बिल्कुल संगीता, दिव्यांशी, अंकित, आप बच्चों के मुझे नेम दिख भी रहे हैं, तो सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बाद में दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।